दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा टोटका जो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति पर वशीकरण करवाना चाहते हैं तो फोन पर घर बैठे वशीकरण करवा सकते हैं। आपको यदि शक हो कि आपके पति की किसी अन्य महिला के साथ संबंध है या वो जो आपको बहुत परेशान करता है, बात बात पर आपसे झगड़ा करता रहता है, जी आजकल बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, गुजर रहे हैं, और ऐसे में इस वशीकरण की विधि को करने से सारी मुश्किलें आपसे दूर चली जाएंगी। दोस्तों ये वशीकरण बहुत ही शक्तिशाली है, आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। तो आप इसके लिए रात में थोड़ा सा कपूर अवश्य जलाया करें, इससे अगर संबंध होंगे तो टूट जाएंगे। रविवार की रात को सोते समय कुछ सिंदूर बिस्तर पर पति के सोने वाले हिस्से की तरफ बिखरा दें। सुबह नहाकर माँ पार्वती का नाम लेकर उससे अपनी मांग भर लें। जिस महिला से आपके पति का संपर्क है उसके नाम के अक्षर के बराबर मखाने लेकर प्रत्येक मखाने पर उसका नाम लिखें। उस औरत से पति का छुटकारा पाने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन सारे मखानों को जला दें। किसी भी प्रकार से उसकी काली भभूत को पति के पैर के नीचे आने की व्यवस्था कर दें। दोस्तों अगर आपके पति किसी अन्य महिला के पीछे आपका अपमान करते हैं, किसी भी गुरुवार को 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के दो पेड़े, 3 केले और इतनी ही चने की दाल को भिगोकर किसी गाय को खिलाएं, जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो उसे खिलाकर ये प्रार्थना करें कि माँ मैंने आपके बच्चे को फल दिया है, आप मेरे बच्चे को फल दें। कुछ ही दिनों में आपके पति रास्ते में आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपके यहाँ पे लोग शादी के लिए मान नहीं रहे हैं तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले शराब से आपको चौराहे पर एक गोला बनाना है। अब इसमें शराब की बोतल खाली कर दें और एक अंडा लेकर जमीन पर मारकर तोड़ दें और कहें कि जिस तरह ये चौराहा खुला है उसी तरह मेरे सारे रास्ते खुल जाएं। प्रेम विवाह के रास्ते सफल होने लगेंगे और आपके विवाह के लिए सब लोग मान जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ अलग ही एक टोटका। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का रोज 3 माला जाप करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते तो हमारे द्वारा आप जिस व्यक्ति पर वशीकरण करवाना चाहते हैं घर बैठे वशीकरण करवाएं। कॉल लगाएं बाबा सुनील को, उनका नंबर है +91 911 636 1707। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।